भोपाल में तैयारी करती शालिनी अगर हरियाणा में नौकरी करना आप चाहेंगी तो इन्हें रोजगार पाने में बहुत दिक्कत होगी। आखिर क्यों? ग्वालियर की समृद्धि के हरियाणा के किसी शहर में अब रोजगार पाने के चांस 75% कम हो चुके हैं। आखिर क्यों? लखनऊ में पढ़ाई करते अखिल अब अगर सोच लें कि इन्हें हरियाणा के किसी शहर में इनकी काबिलियत पर नौकरी मिल जाएगी तो अब इसके चांस 25% ही बचे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हरियाणा सरकार में उस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई जो कहता है कि हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में अब 75% रोजगार सिर्फ हरियाणा के लोग ही पाएंगे, यानी हर 4 में से 3 निजी नौकरी हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए होगी, यानी हर 4 में आखिरी बची 1 प्राइवेट नौकरी ही हरियाणा के बाहर के लोगों को मिल पाएगी। केवल मात्र इंडस्ट्री नहीं, किसी भी तरह के रोजगार में, चाहे वो ट्रस्ट में हो, सोसाइटी में हो, पार्टनरशिप में हो, LLP के अंदर हो, हर प्रकार के रोजगार में हरियाणा के युवाओं के लिए 75% लोकल रिजर्वेशन अब प्रदेश के अंदर अनिवार्य रहेगी। तो सवाल हुआ कि क्या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जेनपैक, इंफोसिस और TCS जैसी बड़ी कंपनियों को भी अब हरियाणा के नियम के मुताबिक हरियाणा के ही लोगों को अपनी कंपनी में 75% नौकरी देनी होगी? संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने ये सवाल डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला से पूछा। आज तक के अंदर भी अगर कैमरामैन 50,000 से कम तनख्वाह ले रहा है और वो नौकरी हरियाणा में कर रहा है तो जरूर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर आज 50,000 से नीचे की एम्प्लॉयबिलिटी है और वो कोई स्पेसिफिक स्किल सेट नहीं मांगती, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो चपरासी हो, चाहे बेसिक काम करने वाला फिटर क्यों ना हो, प्लम्बर क्यों ना हो, उसके अंदर बिल्कुल अनिवार्य होगा कि 75% हर नए रोजगार में, पुराने को हटाने की बात नहीं है, जो भी नया रोजगार हरियाणा प्रदेश में पैदा होगा उसके अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की। अब जरा इस आरक्षण के नियम पहले जान लेते हैं। 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को ही निजी नौकरी में देने का विधेयक नई स्थापित होने वाली और हरियाणा में पहले से चल रही उन कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट और फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा के लोगों को आरक्षण का यह फॉर्मूला 50,000 रुपए मासिक वेतन तक वाली नौकरियों में मिलेगा। सभी प्राइवेट कंपनियों को हरियाणा सरकार के पोर्टल पर 3 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी निजी कंपनी को 3 महीने में यह बताना होगा कि 50,000 तक की तनख्वाह वाले कितने पद हैं और इन पर हरियाणा से कितने लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर किसी ने हरियाणा के लोगों को ही 75% नौकरी देने का नियम नहीं माना तो जुर्माने के साथ कंपनी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। और जो कंपनी हरियाणा सरकार की निजी नौकरी में आरक्षण को पूरी तरह ईमानदारी से लागू करेगी उसे सरकार कहती है कि इंसेंटिव देगी। सवाल ये उठता है कि प्राइवेट नौकरी में आरक्षण फिक्स करना क्या सरकारी दखल नहीं? नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जानी चाहिए या फिर सरकारी आरक्षण के नाम पर? एक देश एक कानून की बात होती है तो एक राज्य के बेरोजगार नौजवान को दूसरे राज्य में क्यों नौकरी के समान हक से दूर किया जाता है? अब इस पर हमने पहले युवाओं से बात की। सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि हरियाणा को ही सबसे आगे रखा जाए, क्योंकि वैसे भी कोविड टाइम्स चल रहा है तो आजकल वैसे ही जॉब्स मिलना थोड़ा टफ हो रखा है। बोलते हैं हमें बोलना चाहिए हम हिंदुस्तानी हैं। अब हम हिंदुस्तानी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मैं हरियाणवी हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो ये एक नेशन कहाँ रहा फिर? हम इस तरह से टैलेंट को रोक रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे, रोक रहे हैं। नौकरी लगा दे हमारी, कोई दिक्कत नहीं, चले जाएंगे। नौकरी लगा के दे हमारी, तब तो हम जाए ना, भैया जॉब लगा के दो, चले जाते, क्या दिक्कत है। तो क्या हरियाणा सरकार का ये कैसा लोक लुभावन फैसला है जिसमें योग्यता को किनारे करके सिर्फ स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने का नियम बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अब तक योग्य आदमी खोजने के लिए महीनों इंटरव्यू करने वाली प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट और सर्विस पर स्थानीय बेरोजगार को आरक्षण देने का क्या असर नहीं पड़ेगा? इन सवालों का जवाब अगली रिपोर्ट में एक्सपर्ट के साथ। सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक।